शिक्षार्थियों नमस्कार। आज के इस वार्ता में हम लोग नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन के विभिन्न आयामों को जानने समझने की कोशिश करेंगे। शिक्षक शिक्षा की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2009-10 आखिर है क्या और इसकी आवश्यकता क्या थी, इन सब बिंदुओं को हम लोग जानने समझने की कोशिश करेंगे। इस बात को शुरू करने से पहले यह बात बतानी अति आवश्यक है कि शिक्षक शिक्षा की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2009-10, जिसे कि आंग्ल भाषा में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2009-10 कहा जाता है, भारत में अध्यापक शिक्षा के विभिन्न पाठ्यक्रमों यथा डीएड, डीएलएड, बीएड, बीएलएड, बीपीएड, एमएड, एमपीएड आदि के लिए दिशा निर्देश का एक अति आवश्यक और महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा प्रोफेसर मोहम्मद अख्तर सिद्दीकी की अध्यक्षता में तैयार किया गया। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि बिना बेहतर शिक्षक के हम बेहतर शिक्षा व्यवस्था की कल्पना नहीं कर सकते हैं, और बेहतर शिक्षक तैयार करने के लिए क्या दिशा निर्देश होंगे, क्या फ्रेमवर्क होंगे, यह पता होना भी हमारे देश के शिक्षा व्यवस्था के लिए, हमारे देश के शिक्षाविदों के लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि शिक्षा स्वयं। इस बात को आगे बढ़ाते हुए हम इस बात की पड़ताल अब करेंगे कि शिक्षक शिक्षा की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2009-10 के अनुसार एक शिक्षक के लिए तात्विक एवं सैद्धांतिक, जिसे कि हम लोग फिलोसॉफिकल एंड प्रिंसिपल्ड ज्ञान कहते हैं, कि आवश्यकता क्यों है। इस बात को समझना इसलिए भी ज़रूरी है कि जब तक हम तात्विक और सैद्धांतिक पहलुओं को नहीं समझेंगे, तब तक शिक्षा के मूल मंतव्य को, शिक्षा के लक्ष्य को, शिक्षा के उद्देश्य को जान और समझ नहीं पाएंगे। तात्विक एवं सैद्धांतिक, जिसे फिलोसॉफिकल एंड प्रिंसिपल्ड ज्ञान कहते हैं, कि विभिन्न पहलुओं जैसे शिक्षा का लक्ष्य, पाठ्यक्रम, विधियों एवं सामग्रियों और सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को नियंत्रित करता है। जो भी हमारे यहाँ सोशल कल्चरल एस्पेक्ट है, उसको तात्विक एवं सैद्धांतिक ज्ञान जो है वो नियंत्रित करता है, वह उसे संपोषित करता है। इसलिए एक अध्यापक को पूर्ण मानव की रचना करने के लिए, एक सर्वगुण संपन्न व्यक्ति की रचना करने के लिए स्वयं को पूर्ण होने की अति आवश्यकता होती है। जब तक शिक्षक स्वयं उन चीज़ों को नहीं समझेगा, स्वयं उन सिद्धांतों को अपने जीवन में नहीं उतारेगा, तब तक यह बहुत दुष्कर कार्य है कि वो एक बेहतर मनुष्य की रचना, एक बेहतर मनुष्य को तैयार कर पाता है। आचार्य चाणक्य ने भी कहा है, और क्या खूब कहा है। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि प्रलय और निर्माण तो शिक्षक की गोद में ही पलते हैं। इसलिए एक शिक्षक को दार्शनिक और सैद्धांतिक दोनों आयामों के विकास की चिंता रहती है। इसके बाद हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि शिक्षक शिक्षा की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2009-10 में एक शिक्षक के लिए तात्विक एवं सैद्धांतिक ज्ञान के किन किन बिंदुओं पर ध्यान दिया गया है, या किन किन बिंदुओं को केंद्रित करने का प्रयास किया गया है। तो यह बात बताने से पहले मैं यह बात बता देना आवश्यक और ज़रूरी समझता हूँ कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 या NCFT 2009 के पृष्ठ संख्या 75-76 में वर्णित है कि एक शिक्षक वह है जो बच्चों की देखभाल करे, उनसे प्रेम करे, उनको सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में समझे और सभी बच्चों से समान व्यवहार करे। एक अध्यापक की यह नैतिक जिम्मेदारी है, एक शिक्षक की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को ठीक तरीके से देखे, क्योंकि बच्चे जो हैं वो मिट्टी के घड़े होते हैं जिन्हें एक शेप दिए जाने की आवश्यकता होती है, और वो शेप दिए जाने का काम जो है वो एक अध्यापक ही करता है, और यह काम वो तब तक ठीक तरीके से नहीं कर सकता है, तब तक वो कायदे से नहीं कर सकता है, जब तक कि वह उससे प्रेम ना करे, जबकि वह उससे स्नेह ना करे, जब तक कि वह उसको सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में न समझे, और जब तक कि वह सभी बच्चों को अपना बच्चा न समझे और सभी बच्चों से समान व्यवहार न करे। इस पे NCFT 2009 जो है वो बल देता है कि अध्यापक बच्चों से स्नेह करे और उसकी भावनाओं को समझे। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है वह यह समझने की है कि ज्ञान कोई देने की वस्तु नहीं है कि पानी का ग्लास है कि एक ग्लास को उठा के दूसरे को दे दिया। ज्ञान कोई ऐसी वस्तु नहीं है। ज्ञान जो है वो
एक ऐसी चीज़ है जिसको कि प्राप्त करने के लिए एक निश्चित क्षमता की आवश्यकता होती है, और यही अध्यापक का दायित्व है, यही शिक्षक का और शिक्षिकाओं का दायित्व है कि वो ज्ञान को देने की वस्तु ना समझे बल्कि वो ज्ञान प्राप्त करने की क्षमताओं को प्रोत्साहित करे, बच्चों को उन तौर तरीकों को खोजने के लिए प्रोत्साहित करे जिससे कि वो ऐसी क्षमता पैदा कर सके कि वो नए ज्ञान का सृजन और संवर्धन कर पाए। इसके साथ साथ यह भी आवश्यक है एक शिक्षक के लिए कि वो अपने स्वयं के अनुभवों से, स्व अनुभवों से खेल, प्रोजेक्ट, विचार विमर्श, संवाद, अवलोकन, भेंट आदि को अपने अध्यापन में शामिल करे। अब वह दिन चला गया जबकि अध्यापक कक्षा में खड़ा होता था और अपने पूरे पाठ को पढ़ाकर चला जाता था। अब वो समय आ गया है कि अध्यापक को कक्षा कक्ष परिस्थितियों में अपने आप को ढालने के साथ साथ विद्यार्थियों के साथ मिलजुल कर खेल या प्रोजेक्ट या आपसी विचार विमर्श के माध्यम से, आपसी संवाद के माध्यम से, अवलोकन भेंट आदि के माध्यम से अपने अध्यापन कार्य को बेहतर और मजबूत बनाए। अगली बात जो महत्वपूर्ण है NCERT 2009 के संदर्भ में वह यह है कि पाठ्यक्रम और पुस्तकों को समीक्षात्मक रूप से जांच कर उसे सामान्य जरूरतों के तरीके से उपयोगी बनाया जाए। अब ऐसा समय है कि हमें पाठ्यक्रम को जीवनोपयोगी बनाना होगा, हमें पुस्तकों को जीवनोपयोगी बनाना होगा। केवल पुस्तकीय ज्ञान ही किसी व्यक्ति के सफलता के मानक या मानदंड नहीं हो सकते हैं। पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ उसके पास व्यावहारिक ज्ञान भी होना चाहिए, और व्यावहारिक ज्ञान यदि पुस्तकीय ज्ञान के माध्यम से दिया जाए तो और ज़्यादा समीचीन और बेहतर होता है। इसलिए यह आवश्यक होता है अध्यापक के लिए कि वो एक ऐसे पाठ्यक्रम का निर्माण करे या ऐसे पाठ्यक्रम के निर्माण करने की योग्यता रखे जिससे कि वो ऐसा पुस्तक निर्माण कर सके जो कि समीक्षात्मक हो, जो कि क्रिटिकली चीज़ों को इवेलुएट करे और वो जीवनोपयोगी, समाजोपयोगी हो। अगली जो महत्वपूर्ण बात है NCERT 2009 के संदर्भों में वह है अहिंसात्मक मूल्यों का विकास करने के संदर्भ में। यह आवश्यक है कि शिक्षा व्यवस्था जो है या हमारे यहाँ की जो शिक्षा परंपरा जो है, हमारे यहाँ की जो विद्या परंपरा जो है, वो अहिंसात्मक मूल्य को विकसित करने में पहले से ही निष्णात थी, लेकिन अब आवश्यकता इस बात की है कि उन अहिंसात्मक मूल्यों को विकास करने के साथ साथ लोकतांत्रिक, समता, न्याय, उदारता, बंधुत्व एवं धर्मनिरपेक्षता के साथ साथ भी अध्यापन किया जाए। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो हम एक पक्षीय विद्यार्थी बनाएंगे, हम एक पक्षीय समाज बनाएंगे, और एक पक्षीय समाज कभी भी देश और दुनिया के लिए बेहतर नहीं होता है। हमें तो ऐसे समाज के निर्माण पर बल देना है जो अपने आप में लोकतांत्रिक हो, जहां समता और न्याय का राज हो, जहां उदारता और बंधुत्व हो, और जहां धर्मनिरपेक्षता उसके मूल में हो, जहां की किसी धर्म को लेकर के एक बायस्ड कल्चर का विकास न हो। तो NCERT 2009 जो है एक ऐसे शिक्षक का निर्माण करने पर बल देती है, ऐसे अध्यापकों का निर्माण करने पर बल देती है, ऐसे शिक्षिकाओं का निर्माण करने पर बल देती है जो लोकतांत्रिक, समता, न्याय, उदारता, बंधुत्व और धर्मनिरपेक्षता के साथ साथ अध्यापन करे। इन बिंदुओं को समझ लेने के बाद अब हमारे लिए यह समझना जरूरी है कि शिक्षक शिक्षा की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2009-10 के अनुसार शिक्षकों के प्रशिक्षण में भाषा का क्या योगदान है। भाषा एक ऐसी चीज़ है जो कि कहीं ना कहीं हमें प्रभावित करती है, और यह केवल संप्रेषण के माध्यम के रूप में हम भाषा को यदि देखेंगे तो अब काम नहीं चलने वाला है। भाषा संप्रेषण के माध्यम से अतिरिक्त भी कुछ है, अब यह बात स्वीकार की जाने लगी है। भाषा की सोचने, महसूस करने और अनुक्रिया करने की उपयोगिता को हमें कतई भूलना नहीं चाहिए। NCERT 2009 शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु सीखने और सिखाने की प्रक्रिया और भाषा के कार्यात्मक उपयोग को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने की सिफारिश करता है, उसको पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने की अनुशंसा करता है। यह शिक्षकों के लिए एक बहुभाषी कक्षाओं के निर्माण और स्वयं शिक्षक को मातृभाषा के माध्यम से शिक्षण कराने के लिए प्रशिक्षित करने की अनुशंसा करता है। सामान्यतया होता क्या है, एक बच्चा, एक विद्यार्थी, एक व्यक्ति यदि किसी स्कूल में प्रवेश लेता है तो वह अपने घर में बहुत सी भाषा की चीज़ों को सीख के आता है जो निश्चित रूप से वो अपने यहाँ के लोकल सराउंडिंग से सीखता है। यदि उदाहरण लें हम तो यदि उत्तराखंड का उदाहरण लें या बिहार का उदाहरण लें या राजस्थान का उदाहरण लें या असम का उदाहरण लें या बंगाल का उदाहरण लें तो हम यह पाते हैं कि बच्चा घर में बांग्ला बोलता है, वो हाड़ौती बोलता है, वो भोजपुरी बोलता है, वो कुमायूनी बोलता है, वो गढ़वाली बोलता है।
तो बच्चा अपने मूल भाषा के, अपनी मातृभाषा के, अपने लोकल भाषा के विभिन्न शब्दों को लेकर के कक्षा कक्ष में प्रवेश करता है और अचानक वो कक्षा कक्ष में देखता है कि अध्यापक तो केवल अंग्रेजी में ही बात कर रहा है, अध्यापक तो केवल हिंदी में ही बात कर रहा है, तो बड़ा बेचैन सा हो जाता है, वह बातों को समझ नहीं पाता और वो धीरे धीरे चुप होने लगता है और कुंठित होता जाता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षक जो है वो बहुभाषी कक्षाओं के निर्माण पे जोर दें, विद्यार्थी के, बच्चे के मूल भाषा, मातृभाषा को ध्यान में रखते हुए, उसको समझते हुए, उस चीज़ को परिभाषित करते हुए एक ऐसी कक्षा का निर्माण करें जिसमें कि भिन्न भिन्न भाषाओं के लिए समान सम्मान हो, भिन्न भिन्न बोलियों के लिए समान सम्मान हो। यदि कोई बच्चा स्टैंडर्ड हिंदी नहीं बोल पाता है, मानक हिंदी नहीं बोल पाता है या वो स्टैंडर्ड इंग्लिश नहीं बोल पाता है, इसका मतलब यह नहीं है कि वो बच्चा कमज़ोर है। भाषा तो केवल अपने आप को एक्सप्रेस करने का एक माध्यम है, असली बात जो होनी चाहिए वह यह होनी चाहिए कि उसको उस चीज़ की समझ विकसित हुई है कि नहीं हुई है, और समझ तभी विकसित होती है जब बच्चा जो है अपनी मातृभाषा में सीखता है, अपनी मातृभाषा में पढ़ता है। इसी के साथ साथ हम यह बात भी समझें कि अवधारणाएँ, रचनाएँ एवं उदाहरण जो हैं वो ज्ञान का निर्माण करने वाले ब्लॉक्स हैं। ज्ञान का जो निर्माण होता है डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, डिफरेंट एग्जांपल्स, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के थ्रू होता है और ये स्ट्रक्चर जो है वो इंटायरली पूर्णतः निर्भर होते हैं भाषा पर। और NCFT 2009 इस बात पर बल देती है कि विद्यालयी शिक्षा में शिक्षकों की भाषा में प्रवीणता और संचार कौशल को महत्वपूर्ण कारक मानता है और ये कहता है क्योंकि भाषा बालक के सामाजिक और सांस्कृतिक पक्षों को उजागर करती है, इसलिए भाषा के शिक्षण पे हमें विशेष बल देने की आवश्यकता है, भाषा के शिक्षण को हमें समझने की आवश्यकता है, क्योंकि भाषा ही एक ऐसी चीज़ है जो कि गणित की कक्षा में भी उतनी ही मौजूद होती है जितनी कि हिंदी की कक्षा में होती है। इसलिए भाषा के शिक्षण को विशिष्ट ध्यान देने की आवश्यकता पर NCFT 2009 जो है वो बल देता है। इसके बाद अब हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि शिक्षक शिक्षा की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2009-10 शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु कैसे सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं के साथ तालमेल बिठाने के प्रशिक्षण की व्यवस्था करती है। इस बात को समझने के लिए हम जैसा कि अच्छी तरीके से जानते हैं कि समाज और संस्कृति एक दूसरे से भाषा, मूल्यों, आचार विचारों, खान पान, रहन सहन आदि के माध्यम से जुड़े हुए हैं। ऐसे में NCFT 2009 शिक्षक को समाज और संस्कृति में तालमेल बैठाकर प्रशिक्षित करने के आवश्यक दिशा निर्देश देने जैसे कि बहुसांस्कृतिक एवं बहुभाषाई कक्षा कक्षों का निर्माण कैसे किया जाए, मूल्यों की शिक्षा कैसे दी जाए, वैश्वीकृत पाठ्यक्रम ग्लोबलाइज्ड करिकुलम कैसे बनाया जाए कि बच्चा जो है वो विश्व के किसी भी कोने में अपने आप को हीन न महसूस करे, अपने आप को एस्टैब्लिश कर सके और शांति के लिए शिक्षा, पीस एजुकेशन या वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा को एक परिवार मानने की शिक्षा देने की बात और ऐसे प्रशिक्षण तैयार करने की बात है कि ऐसे शिक्षक तैयार करें जो इन सब उद्देश्यों को पूरा करने में सफल हो, उनकी योग्यता ऐसी हो कि वो ऐसे बालक निर्माण कर सके जो कि समाज और संस्कृति में तालमेल बैठाने वाले हों और पूरी वसुधा को एक परिवार के रूप में समझें और इस हेतु अपने प्रयास जीवन पर्यंत करते रहें। अब हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि शिक्षक शिक्षा की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2009-10 में शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु शिक्षा शास्त्रीय पक्षों, जिसे आंग्ल भाषा में, अंग्रेजी में हम लोग पेडागॉजिकल एस्पेक्ट कहते हैं, कि भूमिका क्या है, क्या रोल है पेडागॉजिकल एस्पेक्ट का शिक्षकों के प्रशिक्षण में। तो हम यह बात ठीक तरीके से जानते हैं और समझते हैं कि शिक्षा शास्त्र के अध्ययन का उद्देश्य जो है वो विद्यालय विषयों को समझना और विद्यालय के मूर्त ठोस संदर्भ में उन विषयों के शिक्षार्थी, पाठ्यवस्तु, परिप्रेक्ष्य, उपयोगिता और निहितार्थ की समझ के साथ अध्यापन कराना है। कहने का तात्पर्य है कि अध्यापक जो है विद्यालयी विषय को तो समझे ही समझे, विद्यालय के मूर्त और ठोस संदर्भ में उन विषयों के शिक्षार्थी और पाठ्यवस्तु के परिप्रेक्ष्य को भी समझे और उसके उपयोगिता और उसके निहितार्थ, उसके रेलिवेंस की समझ के साथ अध्यापन करे। उसका अध्यापन एकांगी नहीं होना चाहिए, उसको रेलिवेंस और यूटिलिटी पर भी उतना ही ध्यान देना है जितना कि विद्यालय विषयों के समझ पर देना है।
और इस प्रकार सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए NCFT 2009 को इस प्रकार बनाया गया है कि इसमें पारंपरिक शिक्षा शास्त्रीय विषयों का प्रशिक्षण, वर्तमान के शुद्ध विषय ज्ञान एवं प्रणाली के अनुसार शिक्षक और विद्यार्थी को उसके परिप्रेक्ष्य के अनुसार फोकस को स्थानांतरित करने में मदद करे। कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें जो ट्रेडिशनल शिक्षा शास्त्रीय विषय है उसका प्रशिक्षण इस प्रकार से दिया जाए कि अध्यापक जो है वर्तमान के शुद्ध विषय ज्ञान जो बिल्कुल मूल ज्ञान है और प्रणाली और उसकी जो मेथोडोलॉजी है उसके अनुसार ही अध्यापक और शिक्षार्थी को उसके परिप्रेक्ष्य के अनुसार स्थानांतरित कर सके। इसको एक उदाहरण से समझे तो उदाहरण के लिए भाषा शिक्षा शास्त्र का कोर्स सीखने वाले की भाषा संबंधित विशेषताओं की समझ को बढ़ावा देगा। पाठ्यक्रम में भाषा एक तरह से भाषा के परंपरागत रूप को केंद्रित करके विषय के रूप में पढ़ाया जाना ही तो है। इसी तरीके से भाषा को व्यावसायिक अधिगम एवं विकास में शामिल किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि भाषा को केवल भाषा की कक्षाओं तक ही सीमित नहीं रखा जाना चाहिए, भाषा को इन संदर्भों में भी देखा जाना चाहिए कि भाषा जो है वो व्यावसायिक अधिगम और विकास के लिए भी उतनी ही आवश्यक है जितने कि भाषा की कक्षा में स्वयं भाषा की आवश्यकता होती है। इन संदर्भों को देख लेने के बाद हमें अब यह देखना होगा कि शिक्षक शिक्षा की जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या है और उसकी जो रूपरेखा 2009-10 में जारी हुई है उसके अनुसार व्यावसायिक अधिगम और विकास, जिसे कि प्रोफेशनल लर्निंग एंड डेवलपमेंट कहते हैं, का संबंध किससे है। यह संबंध जानने की पड़ताल जब हम करते हैं तो हम इस पड़ताल में यह बात समझ पाते हैं कि व्यावसायिक अधिगम और विकास जो है उसका सीधा संबंध जो है वो किसी भी व्यक्ति की अपने कार्य अथवा अभ्यास से संबंधित ज्ञान और कौशल अर्जित करने की क्षमता या सूचना की तलाश करने और अपने व्यावसायिक क्षेत्र में स्वयं को सुविज्ञ बनाए रखने से है। यह बात हमें ठीक तरीके से समझनी होगी कि अध्यापकों को भी एक प्रकार से प्रोफेशनल डेवलपमेंट की आवश्यकता होती है। जो अध्यापक प्रोफेशनल डेवलपमेंट नहीं करता है वो एक तरीके से ट्रेडिशनल टीचर हो जाता है और वो ऑब्सोलीट हो जाता है। इसलिए यह कहा गया है कि नौकरी प्राप्त करने के दिन आपका जो ज्ञान है उस ज्ञान में आपकी वृद्धि की जानी आवश्यक है और इसीलिए व्यावसायिक अधिगम और विकास का कॉन्सेप्ट दिया गया, इसका संप्रत्यय दिया गया कि आप जो है बीच बीच में अपने आप को नए ज्ञान से, नई रचना से, नई खोजों से अपने आप को अवगत कराएं और खुद को ठीक तरीके से समझ विकसित करने के बाद उस चीज़ को अपने विद्यार्थियों तक ठीक तरीके से पहुंचाएं। शिक्षक शिक्षा के राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2009-10 के अनुसार व्यावसायिक अधिगम और विकास के लिए मुख्य लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और यह लक्ष्य जो है वो हमें जानना और समझना आवश्यक है। पृष्ठ संख्या 64 और 65 पर इस बात का वर्णन किया गया है कि शिक्षकों के व्यावसायिक अधिगम और विकास के लक्ष्य क्या हैं। तो पहला लक्ष्य जो इस दस्तावेज में निर्धारित किया गया है वह यह है कि अपनी स्वयं की तैयारी अथवा अभ्यास का विश्लेषण करना, उस पर चिंतन मनन और आवश्यकता पड़ने पर नवाचारों के माध्यम से परिमार्जन करना। कहने का मतलब है कि अपने आप को बिल्कुल ज्ञानी मत समझिए, अपने आप को हमेशा परफेक्शन के करीब ले जाने की कोशिश करिए और इसलिए कक्षा कक्ष में जाने से पहले स्वयं की तैयारी भी करिए और नए विषयों का अभ्यास करिए जिससे कि आपके पढ़ने और समझ की शक्ति जो है, चिंतन और मनन करने की शक्ति जो है और नवाचार करने की क्षमता जो है वो समय समय पर परिमार्जित, संवर्धित और ठीक होती रहे। इसके साथ साथ दूसरा जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है वह यह है कि अपने शैक्षणिक अनुशासन या विद्यालय पाठ्यक्रम के अन्य क्षेत्र जैसे सहशैक्षिक क्रियाओं के बारे में अपने ज्ञान को गहन करना और अद्यतन करना। सामान्यतया हम लोग यह समझते हैं कि जो क्लासरूम टीचिंग हो रही है, जो कक्षा कक्ष में हम लोग पढ़ और पढ़ा रहे हैं वही महत्वपूर्ण है, लेकिन यह बात समझने की आवश्यकता है कि कक्षा कक्ष में जो पढ़ और पढ़ा रहे हैं वो तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन उसके साथ पाठ्य सहगामी क्रियाओं में विद्यार्थी जो सीखते हैं
वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, वह बहुत दिनों तक उसके मस्तिष्क पर छाप छोड़े रहते हैं। तो इसलिए खुद को सहशैक्षिक क्रियाओं में किस प्रकार से निष्णात बनाया जाए, किस प्रकार से उपयोगी बनाया जाए और किस प्रकार से ट्रेंड बनाया जाए, इसकी भी कोशिश करने की आवश्यकता होती है। जो तीसरी बात है वह यह है, विद्यार्थी और उनकी शिक्षा पर शोध और चिंतन करना। अध्यापक का यह दायित्व है कि विद्यार्थी के डेवलपमेंट के लिए वह क्या सोच रहा है, क्या विचार कर रहा है, क्या उसको इस बात का एहसास है कि उसकी टीचिंग मेथडोलॉजी वो पुरानी हो गई है और शोध के द्वारा उसे यह जानने की आवश्यकता है कि लेक्चर मेथड के अलावा भी अन्य मेथड हैं या ज्ञान की रचना कक्षा में ही की जा सकती है, इस पर शोध करने की आवश्यकता है या नहीं है, इस पर भी विचार विमर्श और सोचने समझने की क्षमता एक अध्यापक के अंदर होनी चाहिए। तो इसलिए यह ज़रूरी है कि अध्यापक जो है विद्यार्थियों की प्रगति के लिए शोध करे और उस पर चिंतन करे। चौथा जो और महत्वपूर्ण विषय जो है वह है शैक्षणिक और सामाजिक मुद्दों को समझना और अद्यतन करना। शैक्षणिक और सामाजिक मुद्दों को समझने के लिए यह बात ज़रूरी है कि केवल आप क्लासरूम में यदि बच्चे को कंटेंट पढ़ा देते हैं तो वह पर्याप्त नहीं है, बच्चों को सामाजिक मुद्दों को समझाना आवश्यक है जिससे उनके सोचने और समझने का नज़रिया जो है और बेहतर और अपडेटेड हो सके। बच्चे यह समझ सके कि नहीं, दहेज प्रथा एक गड़बड़ प्रथा है या सती प्रथा एक गड़बड़ प्रथा थी, इसलिए इन प्रथाओं को बदले जाने की आवश्यकता है। तो सामाजिक मुद्दों को भी समझाना अति आवश्यक है। पांचवा विषय जो है वह है शिक्षा या अध्यापन से व्यावसायिक रूप से जुड़ी अन्य भूमिकाओं के लिए तैयारी करना, जैसे अध्यापकों की शिक्षा, पाठ्यचर्या विकास या परामर्श और निर्देशन। अब अध्यापकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह केवल क्लासरूम टीचिंग लर्निंग तक ही सीमित न रहे, वह अपने शिक्षा को, अपने ज्ञान को और इन्हेंस करें और इन्हेंस करने के लिए वह सारे तौर तरीके सीखें कि कैसे करिकुलम का डेवलपमेंट किया जाता है, कैसे पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाता है और किस प्रकार से यदि कोई विद्यार्थी किसी मुसीबत में है, किसी मनोवैज्ञानिक किसी व्यक्तिगत परेशानी में है तो उसको किस प्रकार से परामर्श व निर्देशन दिया जाए। तो यह काम जो है वह अब अध्यापक को ठीक तरीके से करने के लिए अपने आप को समझाना होगा, अपने आप को ट्रेंड करना होगा। छठी और महत्वपूर्ण बात जो है वह यह है कि बौद्धिक अलगाव से बाहर निकलना, इंटेलेक्चुअल जो लोनलीनेस है उससे बाहर निकलना और कार्यस्थल में अन्य लोगों या विशिष्ट विषयों के क्षेत्र में काम कर रहे शिक्षकों और शिक्षाविदों को और साथ ही निकटतम समुदाय या समाज में बुद्धिजीवियों के साथ अनुभव साझा करना। यह बात हमें समझनी होगी कि बौद्धिक अलगाव से कोई बहुत ज़्यादा आपका भला होने वाला नहीं है। अब इस बात की आवश्यकता है कि आप अब अपने आप को सोसाइटी से कनेक्ट करें। समाज भी एक सोसाइटी में ही है, स्कूल भी एक सोसाइटी में ही है, एक समुदाय में ही है, इसलिए आपको खुद को अब समुदाय से कनेक्ट करना होगा और समुदाय में जो बुद्धिजीवी हैं उनके अनुभवों का लाभ स्वयं और विद्यालय को प्रदान करने के लिए आपको उद्यत होना होगा, आपको तैयार होना होगा ये सब काम करने के लिए। यह दस्तावेज इस मायने में एक बहुत महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी दस्तावेज है। अब आगे हम इस बात को समझने और जानने की कोशिश करेंगे कि शिक्षक शिक्षा की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2009-10 से एक शिक्षक किस तरह की प्रेरणा ले सकता है, अर्थात यह पाठ्यचर्या जो है, यह जो NCFT 2009-10 है, एक शिक्षक को किस तरीके से प्रेरित करती है। तो शिक्षक का यह कार्य है कि चिंतन को प्रारंभ करने की प्रक्रिया में बालक की मदद करे। बच्चा जब सोचना शुरू करता है तो किस तरीके से वह सही डायरेक्शन में सोचे, इस पे वह उसकी मदद करे जिससे बच्चा सही डायरेक्शन में सोच पाए। चिंतन मनन को शिक्षक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य बनाया जा सके। जो अध्यापकों की शिक्षा है उसमें चिंतन मनन को, जो सोचने और विचारने की शक्ति है, नया खोजने की शक्ति है, उसको इसका मुख्य लक्ष्य बनाया जाए और इसके लिए अध्यापन से संबंधित ज्ञान को शिक्षक द्वारा अपनी तैयारियों या अभ्यासों पर आलोचनात्मक चिंतन के माध्यम से विविध संदर्भों में विविध जरूरतों को पूरा करने के लिए लगातार अनुकूलित करना होगा। यदि आप एक विद्यालय के प्रमुख हैं या प्रधानाध्यापक हैं
तो आप अपने शिक्षकों के साथ अध्यापन करने के उनके दैनिक अनुभव के माध्यम से उनके ज्ञान को इस तरह विकसित करने के लिए काम करें कि जिससे आपके शिक्षक को अपने ज्ञान और कौशलों को एक खुलेपन के साथ साझा करने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहे। आपके पास जो हुनर है, आपके पास जो कौशल है, उसको दूसरे के साथ साझा करिए, जिससे कि आप खुद में और दूसरों में दोनों में सुधार कर पाने में सफल रहें, ताकि समस्त शिक्षक एक दूसरे का अवलोकन करें, एक दूसरे को ऑब्जर्व कर सके और एक साथ पाठ्यचर्या के अनेक स्थानों जैसे खेत, कार्यस्थल, घर, समुदाय या मीडिया के मुद्दों पर भी चर्चा कर सके। इन सब विषयों पर अब अध्यापकों को चिंतन करने के लिए NCERT 2009 और 10 जो है वह कह रहा है। इस वार्ता में जिन प्रमुख चीज़ों को हम लोगों ने जाना वह यह जाना कि NCERT 2009 एंड 10 जो है किस प्रकार से एक बेहतर शिक्षक जो कि अपने विद्यार्थियों को एक दिशा दिखाने के लिए या अपने विद्यार्थियों में एक सोच पैदा करने के लिए एक समाजोपयोगी जीवनोपयोगी मनुष्य तैयार करने की कवायद करता हुआ प्रतीत हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। अगली वार्ता में हम फिर एक नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने हम अपना दीपक स्वयं बने हम अपना रास्ता स्वयं चुने जीवन ये प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने पढ़े हम कहीं पढ़े वे विषय के लोच से युक्त हो कभी पढ़े हम कहीं पढ़े वे विषय की लोच से युक्त हो मित्रों हम उठे और जागे ये प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर